प्रिय बहनों और भाइयों, कोरोना वायरस के संकट से निपटने के लिए लगातार प्रयास जारी है। आज भी अनेकों महत्वपूर्ण फैसले बैठक में हमने लिए हैं। मुख्य रूप से आइसोलेशन की व्यवस्था, रोग के लक्षण दिखे तो टेस्टिंग की व्यवस्था, उपचार की व्यवस्था, उसके लिए बड़े महानगरों में विशेषकर 7 संभागीय केंद्रों पर अलग अस्पताल, प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर इसकी व्यवस्था हम करेंगे। हमारे डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ को पीपीई किट देने की व्यवस्था, जितनी भी आवश्यक चीजें हैं, और विशेषकर 104 और 181 जो हमने टोल फ्री नंबर दिए हैं उनको और प्रभावी बनाने की व्यवस्था, इस काम में हम लगातार लगे हुए हैं। एक अपील मैं करना चाहता हूं उन भाइयों और बहनों से जो मध्य प्रदेश के बाहर काम के लिए गए थे, वो चिंता ना करें, घबराएं ना। मैं उन प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा कर रहा हूं, मुख्य सचिवों से हम चर्चा कर रहे हैं, वो जहां हैं वहीं उनके रहने की और खाने पीने की व्यवस्था के लिए हम उन राज्य सरकारों को अपील कर रहे हैं। और उनमें से जो सीमा पर आ गए हैं, हमने कलेक्टर्स को ये निर्देश दिए हैं सीमावर्ती जिलों के कि कैसे बिना किसी परेशानी और संकट के और सावधानी रखते हुए हम उनको यथाशीघ्र सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा सके, इसके प्रयास भी हम कर रहे हैं। घबराइए मत, संकट है लेकिन इस संकट के पार हम आपको निकाल के ले जाएंगे।